वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर आज पहुंचे हुए थे प्रतियोगी मोर्चा के छात्र। आप देख सकते हैं विकी खान को और इनके साथियों को। 13 लाख से अधिक छात्रों ने टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आवेदन किया है और छात्रों को इंतजार है अपने परीक्षा तारीखों का। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कुछ भी क्लियर नहीं है और इसी वजह से देख सकते हैं आज ये ज्ञापन विकी खान ने सौंपा है चयन बोर्ड में। छात्रों ने ये मांग की है कि चयन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द करके परीक्षा कराया जाए और 4163 जो पद हैं जिस पर विज्ञापन आया है इसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। और इसी के साथ साथ छात्रों ने मांग की है अध्यक्ष साहब से इनकी मुलाकात कराया जाए। हालांकि आज छात्रों की मुलाकात उप सचिव नवल किशोर जी से हुई है। आपको सुनिए विकी खान ने यहां पर क्या जानकारी दी है। प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों को विकी खान का सलाम। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी हितों की तमाम समस्याओं को लेकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। आज चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात किया और जो हमारे प्रमुख मुद्दे थे उन पर उनसे वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने जो बताया है वो मैं चाहता हूं कि आप लोग के सम्मुख रखूं, क्योंकि लगभग जो है 8,69,000 टीजीटी और 4.5 लाख प्रवक्ता के लिए विज्ञापन वर्ष 2022 में लोगों ने आवेदन किया है। 13,19,000 आवेदन पड़ा हुआ है और इन तमाम भाइयों को यह जानना बेहद ज़रूरी है कि उनकी परीक्षाएं कब होंगी, चयन बोर्ड का गठन कब होगा और विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है कि नहीं हो सकती है। विज्ञापन वर्ष 2016 का जो अभी प्रतीक्षा सूची का मामला था उस पर चयन बोर्ड क्या कार्रवाई कर रही है, तो इन सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार आप लोगों को बताएंगे कि चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव ने चयन बोर्ड के गठन को लेकर जो बताया वो पहले भी स्थिति साफ थी कि उनको कुछ भी जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी इस पर कोई जानकारी नहीं है कि चयन बोर्ड का गठन कब होगा। विज्ञापन वर्ष 2022 की जो परीक्षा तिथि है उस पर भी चयन बोर्ड बिल्कुल मौन है। मौन इसलिए है कि चयन बोर्ड में सदस्यों का अभाव है, कोरम नहीं है, जिस वजह से चयन बोर्ड कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि चेयरमैन साहब चाहें तो परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा तो ये परीक्षा संपन्न हो सकती है उनके कार्यकाल में। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने डिमांड भी किया था कि 2 माह पूर्व इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों को मिलनी चाहिए कि परीक्षा कब से है, तो अभी की जो स्थिति वो बन रही है वो यही है कि परीक्षा तिथि को लेकर चयन बोर्ड अभी आश्वस्त नहीं है कि वो परीक्षा कब करा पाएगा, इसलिए कि चयन बोर्ड में सदस्य नहीं है। तो इसलिए जो तमाम वीडियो चैनल यूट्यूब पर जो है दिए जा रहे हैं और एक अजीब सा माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि फरवरी में परीक्षा है, जनवरी में परीक्षा हो सकती है, मार्च में हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। चयन बोर्ड ने अभी तक जो है कोई डेट नहीं, अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड से मुलाकात की जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया है और डिप्टी साहब ने चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब से फोनिक वार्ता पर यह स्पष्ट किया है कि प्रतियोगी मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रतियोगी हितों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आपसे मिलना चाहता है। चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा अति शीघ्र जो है वो मिलने की तिथि आपको बताएंगे और जो है मुलाकात संभव होगी। तो चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब से जब मुलाकात होगी तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि कब होगी, करा पाएंगे कि नहीं, या 8 अप्रैल को खाली बैरन वापस चले जाएंगे बिना परीक्षा कराए और जो है सिर्फ महीने का मासिक सैलरी लेते हुए। चयन बोर्ड का गठन की उनको क्या जानकारी है इस पर भी उनसे बात की जाएगी। बाकी जो प्रतियोगी मोर्चा का एक जो है अहम मुद्दा यह है कि अगर सदस्यों के अभाव में परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हो पाती है तो कम से कम चयन बोर्ड को कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। विज्ञापित 4163 पद जो है बिल्कुल कम है। अगर आप चाहें तो 15 दिनों के लिए चयन बोर्ड का पोर्टल खोलकर आप जो है विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, जैसा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 में
अभी अभी किया है। तो मैं ये चाहूंगा और इस मुद्दे पर अच्छे से बात होगी चेयरमैन साहब से, और मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन साहब इस पर सहमत भी होंगे। जब तक सदस्य नहीं आ रहे हैं या जब तक परीक्षा तिथि की स्थिति नहीं बन रही है, उस दौरान 10-15 दिनों के लिए चयन बोर्ड का पोर्टल खोल दिया जाए और कम से कम जो 20-25 हज़ार पद रिक्त हैं, तमाम जो है जिलों में रिक्त हैं, वहाँ पर जो है वहाँ से एक जो है जो पद है वो चयन बोर्ड के पोर्टल पर आए। प्रतियोगी मोर्चा यह भी प्रयास करेगा कि चयन बोर्ड का अगर पोर्टल खुलता है तो एक पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव जी से उत्तर प्रदेश के 75 जिले के DISO को प्रेषित कराया जाएगा, जिसमें उनको यह निर्देश रहेगा कि तय समय सीमा पर चयन बोर्ड के पोर्टल पर वह जो है अपने अपने जिलों का अभियाचन अति शीघ्र भेजे, जिससे कि यह संख्या लगभग 15 से 20 हज़ार हो जाए। जब लेट ही हो रहा है तो 4163 पद क्यों नहीं जो है 24,063 पद हो जाए, ये हमारी मंशा रहेगी। और विज्ञापन वर्ष 2016 का जो वो चल रहा है वेटिंग जो चल रही है, उस वेटिंग पर जो है चयन बोर्ड जो है डबल बेंच में गया हुआ है, कल तारीख पड़ी हुई है। बाकी चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव ने बताया कि कार्य चल रहा है, लेकिन हमारी एक मंशा है कि जो कोर्ट ने सिंगल बेंच ने आर्डर किया है, हमने अपील की है उसको कि यह आर्डर ही गलत है और इस पर हम जो है उतने पद हम ला नहीं पाएंगे या भर नहीं पाएंगे। तो ये कल का इंतजार करना पड़ेगा कि कल जो है कोर्ट में डेट लगी है, उस पर जो है कोर्ट का निर्णय क्या होता है। तो विज्ञापन वर्ष 2016 की परीक्षा प्रतीक्षा सूची की तस्वीर साफ हो पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों, बहुत जल्द आदरणीय अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड से मुलाकात होगी, मुलाकात में पूरी की पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाई देगी आपको। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा करिए इंतजार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहां से कुछ चीज़ें क्लियर होकर आती हैं सामने कि अभी परीक्षा तारीखों पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है, चयन बोर्ड में सदस्यों का इंतजार है, अध्यक्ष चाहते हैं परीक्षा कराना, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा कराना बिना सदस्यों के इसमें समस्या हो सकती है, इसी वजह से इंतज़ार किया जा रहा है कि सदस्य आ जाएं तो बेहतर है। हालांकि अध्यक्ष की पूरी कोशिश है कि 8 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं तो उससे पहले परीक्षा करा ली जाए। बाकी जैसे ही अध्यक्ष साहब से मुलाकात होगी तो आपको उसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। फिलहाल आपने सुना विकी खान को, जिन्होंने आज की तमाम अपडेट्स दी हैं। इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।